हमारे पहाड़ों के घर का एक आंगन, जहाँ पे कंक्रीट का जो आंगन है वो नहीं बनाया गया है, बल्कि इसमें छोटी छोटी घास उगाई गई है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आंगन है वो पक्का ही हो, कंक्रीट से ही बना हो, इस तरह से छोटा छोटा घास भी उगा लिया जाता है। और देख सकते हैं आप कि कितना साफ सुथरा है। कहीं कहीं आज भी आपको मिट्टी के आंगन देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा उन आंगन में पत्थर भी लगाए जाते हैं बड़े बड़े। क्लाइमेट के अनुसार आंगन के साथ ही फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ठंडा रीजन है तो यहाँ पे सेब हो गए, आड़ू हो गए, पलम वगैरह उगाए जाते हैं। जहाँ पर फ्रूट्स उगाए जाते हैं तो उसके नीचे जो ज़मीन रहती है उसका भी भरपूर उपयोग किया जाता है, जैसे उसमें आलू हो गया, गोभी, मटर, राजमा, ये सारी चीज़ें भी उगाई जाती हैं। तो पहाड़ों में कहीं भी खड़े हो जाओ, प्रकृति के सुंदर रूप देखने को मिल ही जाते हैं। अभी यहाँ तीन तरह का क्लाइमेट बना हुआ है, बर्फ भी पड़ी है, उस तरफ धूप भी लगी है, और इस तरफ जहाँ गांव है वहाँ पे है छांव। तो इस तरह के पहाड़ होते हैं हमारे पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे, और उन्हीं के बीच में बसे होते हैं छोटे छोटे गांव। तो प्रकृति की गोद में बसे हुए ये गांव बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमारे पहाड़ों में इस तरह सर्पनुमा सड़कें होती है जो इन गांव तक, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक हमें पहुंचाती है।